सनक चंदन सनातन सनक कुमार में से श्री सनातन जी की वाणी। परम मुनि परमहंस श्री सनातन जी हर समय 5 वर्ष की अवस्था में रहते और कोई वस्त्र नहीं धारण करते। दिगंबर दिगमाने दिशाएं दिशाएं ही जिनकी अंबर है, ताप नग्न अवस्था में रहते हैं। ये वर्णन करते हैं कि एकादशी व्रत को हरितोष व्रत कहते हैं। भगवान की प्रसन्नता के लिए, हरिजु की प्रसन्नता के लिए एकादशी व्रत रहा जाता है। प्रायः समस्त वैष्णवजन रहते हैं, जो रसिकजन प्रियाजु के चरणों के अनंग हैं, उनका एक ही व्रत है। श्यामा श्याम की 8 बार उपासना करते हुए अपने मन वृत्ति को श्यामा श्याम में समर्पित करना। यहाँ ज्ञान ध्यान व्रत कर्म जीते सबका हो में नहीं मोहि प्रतीति, रसिकनन निशान बजाए एक श्याम श्यामा पद में। पर जो एकादशी व्रत रहते हैं परम धन्य है, वो हरितोष व्रत है। अब एकादशी व्रत का नियम क्या है और कैसे एकादशी व्रत का फल मिलता है, कई बार चर्चा हुई। बहुत सुंदर शास्त्रम प्रमाणं दे, शास्त्र प्रमाण के अनुसार श्री सनातन मुनि बोल रहे हैं। अथ ते नियमान लक्ष्मी व्रते ह्रस्मिन् दिनत्रये काश्यं मांसं मसूरान्नं चणकान्को द्रवास्तथा शाकं मधुपरान्नं च पुनर्भोजन मैथुने दशम्याम 10 वस्तूनि वर्जयेत् वैष्णवः सदा। इसे एकादशी रहनी हो और एकादशी का फल प्राप्त करना हो उसको ये नियम पालन करना चाहिए। अथ ते नियमान वच्मी व्रते ह्रस्मिन् दिनत्रये, उसको 3 दिन, एक तो दशमी और एक द्वादशी और फिर बीच में एकादशी, उसको 3 दिन संयम में रहना होता है, तब बीच की एकादशी का उसे फल प्राप्त होता है। जिसे एकादशी व्रत रहना हो उसका नियम है कि दशमी के दिन कांसे के पात्र का त्याग करे। वैष्णव सिद्धांत है कि कभी जिसमें मांस बना उस रसोई का भोजन न ग्रहण करे। मसूर की दाल, चना की दाल, कोदो और कोई भी शाक, शहद, दूसरों का अन्न, दोबारा भोजन और मैथुन, ये दसवीं के दिन त्याग दे। एक बार दसवीं के दिन भोजन करे 24 घंटे में, क्योंकि एकादशी रहना है। कांसे का पात्र, जिस रसोई में मांस बना उसके भोजन का त्याग, मसूर की दाल, चना, कोदो, शाक, मधु अर्थात शहद और दूसरे के द्वारा दिया हुआ भोजन और दोबारा भोजन और मैथुन क्रिया, इनका दशमी के दिन कभी भी प्रयोग ना करे। इन 10 वस्तुओं से वैष्णव दूर रहे दशमी के दिन। फिर एकादशी के व्रत में ये पीछे तो हम वर्णन कर ही चुके हैं, कहीं नहीं आया है कुटू का कचौड़ी पकौड़ी और सिंघाड़ा का हलवा और सारी दुनिया के खीर और सब। एकादशी के दिन किसी भी तरह की गेम आदि की क्रीड़ा ना खेले। जैसे अब आज व्रत है तो बैठे हैं अपना मोबाइल में गेम खेल रहे हैं, ऐसा कोई भी क्रीड़ा नहीं, दीप क्रीड़ा किसी भी तरह का गेम ये सब खेल नहीं। द्विक्रीड़ां च निद्रां च तामूलं दंतधावनं परापवादं पैशुन्यं स्तेयं हिंसां तथा रतिं कोपं हृतवाक्यं च एकादश्यां विवर्जयेत्। एकादशी के दिन उपासक को चाहिए कि वो किसी भी तरह की क्रीड़ा मनोरंजन बिल्कुल नहीं, चनिद्राम नींद नहीं लेनी उसको, न दिन में न रात में, एकादशी व्रत। और प्राय पुराने महापुरुषों ने ऐसा किया है। रामदास जी डाकोर के रात में जाते थे, रणछोड़ भगवान के यहां कीर्तन करते थे जाकर, तभी तो भगवान उनके
कीर्तन पर उनकी भक्ति पर रिचकर गाड़ी में बैठकर उनके साथ आए थे। पूरी रात जगकर कीर्तन करना, दिन में तो सोना ही निषेध है। दीप क्रीड़ाम च निद्राम च ताम्बूलम, पान खाना निषेध है एकादशी को बिल्कुल नहीं, जो व्रत रह रहे। दंत धावनम, वृक्ष से तोड़कर जो दतून की जाती एकादशी के दिन नहीं। परापवादम, दूसरे की निंदा करना चर्चा करना नहीं, अर्थात अधिकतर मौन व्रत धारण कर एकादशी के दिन। पैशून्यम, चुगली करना। स्तेयम, कोई चोरी करना। हिंसाम, वाणी से शरीर से मन से किसी को दुख पहुंचाना। रतिम, अर्थात भोग करना, मैथुन करना। कूपम, किसी के ऊपर गुस्सा करना। अनत वाक्यम, झूठ बोलना। एकादश्याम विवर्जये, एकादशी के दिन ये नहीं करना चाहिए। एकादशी को एक बार कुछ फलाहार शुद्ध, अगर आपके पास कोई व्यवस्था नहीं तो थोड़ा दूध है, जल है, ऐसे आप लेकर, या थोड़ा सा फल ले लिया, थोड़ा सा फल लेकर के प्राण पोषण, एक दिन में मर नहीं जाओगे। कितने तो निर्जला एकादशी रहते हैं, हर एकादशी निर्जला, पूज्य श्री मथुरा दास जी निर्जला ही रहते थे हर एकादशी। चलो भैया आपकी सामर्थ्य नहीं तो जल दो चार बार ले लो, एक बार थोड़ा सा दूध और फल ले लो, चल जाएगा काम, प्राणों का पोषण हो जाएगा। ये आचरण न करे, एक बार कुछ आहार ले ले, वो विशुद्ध भगवत अर्पित प्रसाद। फिर द्वादशी को काश्यम मांसम सुराम सौद्रम तैलम वितथ भाषणम व्यायामम च प्रवासम च पुनर्भोजन मैथुने अस्पृश्य स्पर्श मासूरे द्वादश्याम द्वादश त्यजेत। कांस के पात्र में द्वादशी को भी भोजन न पावे, जिस रसोई में मांस बनाओ उसमें आहार न ले, किसी भी तरह का नशा द्वादशी को न करे, शहद न पाए, तेल के बने पदार्थ न पाए, मिथ्या भाषण न करे और बहुत शरीर का व्यायाम न करे, बहुत थकावट वाले कार्य न करे, दोबारा भोजन न करे। एक बार द्वादशी को भी भोजन पवित्र, मैथुन न करे, जिसका स्पर्श नहीं किया जाता है ऐसे पदार्थों का स्पर्श न करे और मसूर की दाल न खाए। द्वादशी को जो इन नियमों का पालन करता है, दशमी द्वादशी ऐसे और एकादशी ऐसे, तब उसे एकादशी व्रत का फल प्राप्त होता है। जो इस पद्धति से कर, ये जो मनमानी सब नहीं, हर पदार्थ मिल जाएगा आपको फलाहार में, हर पदार्थ हमको बताया गया, आपको जो चाहो सब पदार्थ फलाहार का। अरे भाई हरितोष व्रत है तो हरि प्रसन्नता के लिए एक दिन भूखे रहने बहुत आनंद आता है। भगवत कृपा से ऐसी गंगा जल पीकर के कुछ दिन भी कभी कभी निर्जला एकादशी का भी आनंद, बड़े संन्यास मार्ग में थे तो बड़े संयम से सब शास्त्रीय पद्धतियों का निर्वाह होता था। उपासक को चाहिए कि इन नियमों से व्रत का अनुष्ठान करें, मनमाने आचरण न करें। सबसे प्रार्थना जो एकादशी रहते हो, हरितोष व्रत इसे कहते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए रहा जाता है, रहना चाहिए।